अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तांडे सुपर कुकिंग शो में दा सब खैरियत सा हुंदा। जेके रेसिपीज ठाहिनि पिया, पैसिफिक कुकिंग ऑयल सां गॾु वाइटमिन ए ऐं डी खां भरपूर कोलेस्ट्रोल खे कंदो आहे कंट्रोल, पंहिंजनि जो प्यार। पैसिफिक कुकिंग ऑयल बनस्पति घी बि तमामु बहितरीन आहे, जंहिंमें मिठा ठहंदा आहिनि, पराठा ठहंदा आहिनि, ऐं काफ़ी अहिड़ी वैरायटी हूंदी आहे जंहिंमें बनस्पति घी जो इस्तेमालु थींदो आहे। त पैसिफिक तमामु बहितरीन आहे, हर जॻह, हर पाकिस्तान में हर जॻह मिले पियो। ऐं फुटाइल जो किचन आहे जंहिंमें मां हमेशह खाधा पचाईंदो आहे, तव्हांजे साम्हूं सेट ते हूंदो आहे। फुटाइल जो किचन तमामु बहितरीन आहे, जंहिंजा जेको चुल्हो आहे, ओवन आहे, ऐं बेकिंग ओवन आहे, हुनजे अलावा हर शइ पूरी फुटाइल जी। अगरि तव्हां पंहिंजो किचन ठाहिणु चाहियो था, फुटाइल जो हिन तरीक़े जो सेटअप करणु चाहियो था, इहे शयूं वठणु चाहियो था, त तमामु जदीद टेक्नोलॉजी खां तयारु थियल आहिनि। ऐं हिननि जी वेबसाइट आहे, सर्च करियो गूगल ते, तव्हांखे पूरी हिननि जी आउटलेट्स जेके कराची में या हैदराबाद में जिते बि हिननि जी आउटलेट्स आहिनि उहे तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदियूं। बाक़ी प्राइसिस पोइ तव्हां पंहिंजे हिसाब सां हुननि खां ॻाल्हाए सघो था। अॼु मां ठाहियां पियो बेकिंग जी फरमाइश अचे पई, केक जी बेसिक केक ठाहिणु सेखारियां पियो। पहिरीं बि काफ़ी दफ़ा ठाहियो आहे केक, डिफरेंट क़िस्म जा ठाहिनि, चॉकलेट बि ठाहियो आहे ऐं पाइनएप्पल बि ठाहियो ऐं ॿिया बि ॿ टे केक्स ठाहिया हुआ, लेकिन अॼु मां बेसिक केक ठाहिणु सेखारियां पियो, जेको तव्हां पतीले में बि ठाही सघो था, स्लाइस वारो केक जेको मिलंदो आहे, फ्रूट में बि ठाही सघो था, प्लेन में बि ठाही सघो था। स्लाइस वारो केक ठाहिणु सेखारियां पियो, जेको पतीले में बि ठहंदो आहे ऐं ओवन में, लेकिन हिते टाइम घटि हूंदो आहे त मां ओवन में ठाहिणु सेखारियां थो। ओवन जो पहिरीं मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियां कि टेम्परेचर पहिरीं मां प्री हीट करे थो छॾियां, जेसिताईं असां बेकिंग जे सॼो मिक्सचर ठाहींदासीं त हीउ 15 मिंट पहिरीं ओवन खे, फुटाइल जो मोट ओवन आहे, ठीकु आहे, हिनजी ग्रिल ऑन कंदासीं, डबल ग्रिल ऑन कंदासीं फैन सां गॾु। ऐं हिन जो जेको टाइमर आहे, ठीकु आहे, पहिरीं हिनजो टेम्परेचर रखूं था 180 ते, 180 ते हिनजो टेम्परेचर रखंदासीं, ठीकु आहे, 180 पे इसका टेम्परेचर सेट करते हैं और उसके बाद इसको डबल ग्रिल ओवन को ऑन कर दें ताकि ऊपर से भी जल्दी राइज हो जाएगा। और इसकी टाइमर जो है वो मैं रख रहा हूँ 60 to 80 मिनट्स, 70 मिनट्स पे रखा है, क्योंकि 40 मिनट्स इसकी बेकिंग टाइम होती है, 40 मिनट बेकिंग टाइम होंगे 5 का 40 मिनट, लेकिन प्री हीट भी 15 मिनट का बोआ है, तो 60 ते रखो तो पानी टाइमर से अची वो जैसे रखो तो 40 मिनट अंदर सेट कर छो। ऐं रेसिपी में प्लेन केक ठहे पियो। छोला हिकिड़ी डिश आहे तमामु मज़ेदार, हलीम वांगुर इहा डिश हूंदी आहे, इहो तव्हांखे ठाहिणु सेखारियां पियो। क्विक रेसिपी आहे, सभु उहे खाधा ठाहींदा आहियूं जेके घर में ईज़िली सॼा मसाला तव्हां वटि हुजनि। इन जी सॼी रेसिपी जॾहिं स्टार्ट कंदमि डिटेल में तव्हांखे ॿुधाईंदासीं, पहिरीं केक जी मिक्सचर ठाहींदासीं। आज की जो रेसिपी बना रहे हैं पैसिफिक कुकिंग ऑयल के साथ, वाइटामिन ए और डी से भरपूर, कोलेस्ट्रोल को करता है कंट्रोल, अपनों का प्यार, पैसिफिक कुकिंग ऑयल प्लेन केक बना रहा हूँ जो हम चाय के साथ खा सकते हैं या वैसे बच्चों के लिए बना सकती हैं, स्लाइस में, स्लाइस वाला केक, ठीक है, वो बना रहा हूँ। शोला एक डिश है, बहुत ही अच्छी, ये बिल्कुल हलीम की तरह होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा और इजी वे में वो आप बना सकते हैं। सबसे पहले हम केक के लिए, बेकिंग के लिए तैयारी करते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। एक साफ बॉल होना चाहिए, इसमें पानी का एक भी ड्रॉप ना हो, उसको अच्छी तरह ड्राई कर दें। और क्या क्या चीज़ें इसमें जाएंगी वो मैं आपको बताता हूँ। और मैं पैसिफिक कुकिंग ऑयल के साथ बनाऊँगा, वैसे तो हम बटर यूज़ करते हैं केक में, लेकिन पैसिफिक कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगा। ऑयल से भी केक बहुत अच्छा बनता है, ज़रूरी नहीं कि बटर से, अगर बटर अवेलेबल है घर में या लेती हैं तो वो ले लें, वरना कुकिंग ऑयल अच्छी कंपनी का हमेशा यूज़ करना चाहिए, तो पैसिफिक का वो तरजीह है। जी, ठीक है, अच्छा, इन लाइ असांखे 12 टेबल स्पून हिन जी क्वांटिटी, हमेशा कंफ्यूज थींदा आहियो कि बेकिंग जॾहिं कंदा आहियूं त हिन में असांखे मैदो केतिरो खपे, खंडु केतिरी खपे, इहो काफ़ी इशू हूंदो आहे, त टेबल स्पून जे हिसाब सां मां तव्हांखे ॿुधायां थो। कॉल बि वठूं था, अस्सलाम वालेकुम, हलो 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 हलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, भाउ ठीकु आहियो? जी ठीकु ठाक, कहिड़े किथां ॻाल्हायो पिया? अॻियां थी तव्हांजे भाॻे खां ॻाल्हायूं पिया, तव्हांजो प्रोग्राम ॾाढे शौक़ सां ॿुधंदा आहियूं। महिरबानी तमामु घणी आहे। असांखे अंबड़ियुनि जो मुरबे जो ॿुधायो। छा जो? अंबड़ियुनि जो मुरबो। अंबड़ियुनि जो शायदि तव्हां पहिरीं बि कॉल कई हुई न मूंखे? मैदो मैदे में विझंदासीं, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय जो चमचो, मैदे में आप बेकिंग पाउडर मिला लेंगे 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है, 1.5 चाय का चम्मच आपने बेकिंग पाउडर मिला देना, इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें, मैदा और बेकिंग पाउडर, ठीक है, 1.5 चाय का चम्मच मैदा और बेकिंग पाउडर
बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चम्मच और मैदा मैंने 12 खाने के चम्मच डाले, ठीक है। ये टेबल स्पून जिनका असा चावर खाई आयूँ यो टेबल स्पून यूज़ कौ 12 टेबल स्पून तीन मैदो 1.5 चाय जो चमचो विझो इनमें बेकिंग पाउडर हे करे इन मिक्सचर के साइड में रखी था छूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, अब दूसरा बॉल लेते हैं, मैदा लिया 12 टेबल स्पून और उसके साथ पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। पानी मैंने इसमें कितना डाला है, पानी मैंने इसमें डाल 12 टेबल स्पून मैंने मैदा डाला और इसमें 1.5 चाय का चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाल के मिक्स करके इसको मिक्सर को रख दिया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑयल यूज़ नहीं कर रहे, बटर यूज़ नहीं कर रहे, आज मुख्य लहजा था, बटर यूज़ नहीं कर रहे, पैसिफिक कुकिंग ऑयल के साथ केक बनाऊंगा। तो 12 टेबल स्पून हम लेंगे चीनी सेम क्वान्टिटी में, 2, 3, 4 12 टेबल स्पून चीनी, ठीक है। 12 टेबल स्पून चीनी डालने के बाद आपने क्या करना है, इसमें अंडे तोड़ के डालने हैं, कितने, 4 अदद, ठीक है। ये बिल्कुल इजी वे में केक बनेगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। 4 अदद बेदा, ठीक है, 12 खाने जा चमचा खंड, यो विझण का पोइ इनके बीट कंदासी, पोइ इनमें विझंदासी 1/4 कप कुकिंग ऑयल, 1/4 कप डालेंगे कुकिंग ऑयल, पैसिफिक कुकिंग ऑयल। और अगर बटर यूज़ कर रहे हैं तो बटर आपने 200 ग्राम यूज़ करना है, ठीक है। अगर मक्खन यूज़ किया पाया तो 200 ग्राम यानी 1 पाव मक्खन में तहां 6 खाने जा चमचा कढ़ी वटो, ठीक है। 1 पाव मक्खन में 6 खाने जा चमचा कढ़ी वटो तो वो तुम 200 ग्राम ठही वो इनके बीट कंदासी, ठीक है। इसको बीट करें चीनी और अंडों को अच्छी तरह, वैसे तो हम बटर के साथ बीट करते हैं, यहाँ पे मैं ऑयल का इस्तेमाल करूँगा तो इसलिए मैं पहले अंडे और चीनी को अच्छी तरह बीट कर रहा हूँ। 2 मिनट तक इसको बीट करना है ताकि चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए बीटिंग में और जो अंडे हैं वो अच्छी तरह फूल जाए, इसके वॉल्यूम डबल हो जाए, ठीक है। झाग सी बन जाएगी इसके अंदर, चंगी तरह इतने विझन दो बेदा 4 और 12 खाने का चमचा खंड, अच्छी तरह इसको अब इसमें डालेंगे वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच। वनीला एसेंस छो विझबो है छाकाणि त बेदन जी जेका स्मेल हूंदी आहे हुनखे ख़तम करण लाइ, ठीक है। अंडो की जो स्मेल होती है उसको ख़तम करने के लिए वनीला एसेंस यूज होता है। ये हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच, अच्छी तरह इसको बीट करें। और अगर ब्राउन शुगर के साथ बनाना चाहते हैं तो ब्राउन शुगर से भी केक बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, ठीक है। ब्राउन शुगर होंगी है गुड़ का ठंडी है जगह खंड उन यो ठाई सको था बेदा विझी इनके बीट कौन केक खाई तो ब्राउन शुगर में भी केक तुम तमाम सुनो ठंड यो थी वो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे ये जो मैदे का मिक्सचर था इसके अंदर डालेंगे पूरा, ये डाल के इसको अगेन आपने बीट करना है, ठीक है। ये अच्छी तरह बीट किया, ऑयल मैंने अभी नहीं डाला है, ठीक है। इसमें ऑयल जाएगा, ऑयल इसमें मैं बाद में डालूंगा क्योंकि मक्खन होता है वो हम क्या करते हैं चीनी के साथ बीट कर देते हैं, लेकिन ऑयल ये मेरे पास 1 कप है, ठीक है। मेजरमेंट कप या तो कप सासर जो हों सासर वालों कप हों फ्रज के साथ जो कप यूज़ होता है वो आप ले लें, ठीक है। वो मेजरमेंट सही रहती है 1 कप, वरना ये मेजरमेंट वाले मिलते हैं इसके ऊपर लिखा होता है 1 कप। कॉल बैठू था, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, स्पीकर ऑन ना है थे, हेलो अदा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जी, कह रहे किथा गलायो पया, अदा अनम जी गलाया, ठीक है अदा जी, अनम छा हाल है ता जा जी, अदा बिल्कुल ठीक है अदा, थैंक यू पया, दुआओं ता जो जी, अदा भाई पूरी जी, सलाम, वालेकुम अस्सलाम जी, हां अदा टाइम प्रोग्राम देखू पया साथ में मुन्नो कप इनमें पैसिफिक कुकिंग ऑयल विधो है, ठीक है। 1/4 कप मैंने इसमें पैसिफिक कुकिंग ऑयल डाला है, इसको अच्छी तरह बीट करें। ऑयल डाल के मैं इसमें बना रहा हूँ केक, वैसे हम बटर से बनाते हैं लेकिन ऑयल से ही बहुत अच्छा बनता है केक। इसको अच्छी तरह बीट करें 1 मिनट तक,
चूल्हा बंद सॉरी ये बंद कर दें बीटर, ठीक है, इसको निकाल देते हैं, बीटर बंद कर छो। हाँ कहसी जैमें असा विझणो है सांचो, ये चौकोर वो खी वो, गोल है तो गोल खी वो, जो अवेलेबल हो अगर यो ना है तो जो बर्फ जमाइण वो सांचो हों, सिल्वर जो गोल मिलो है फ्रीजर में अस बर्फ जमाइंदा, वो सांचो भी यूज कर सो, ठीक है, सिल्वर जो, लेकिन ये खास केक जो होंगे। हाँ ही विझासी अशरफी जो कद्दू हों, कद्दू मिठो कद्दू हों, पेठो उनका ही ठा इनके कलर डिबो गाढ़ो साओ, ठीक है। अशरफी होती है, ये थोड़ी बड़ी लग रही है मुझे, इसके थोड़े पीसेस कर देते हैं। अशरफी ये जो जर्दे में हम डालते हैं वो है, इसके पीसेस थोड़े जो बड़े वाले हैं वो ग्रीन और रेड कलर में ये मिक्स है, तो इसके जो बड़े पीसेस हैं उनको थोड़ा छोटा कर दें, ठीक है। ये डालने के बाद अच्छी तरह चंक्स बना दें और ये सारे पीसेस इसके अंदर डाल दें केक के, ठीक है। आखिर में ये तमाम बेहतरीन फ्रूट केक तांजो तैयार थी, तो अगर है ना है तो प्लेन केक भी ठाई सको, तो खाली किशमिश विझी ये डाल दिया, आधा कप किशमिश इसमें डाल दें, ठीक है, अर्ध कप किशमिश। ब्रेक जो टाइम थियो आ हेलो, अच्छा ब्रेक जो टाइम थियो कदन जी शॉर्ट ब्रेक वटू था, ब्रेक जे दौरान मैं इनके मिक्स करे इन मोल्ड में विझंदो, इनके ग्रीस करे, ठीक है, इसका ग्रीस करके मैं इसको मोल्ड में डालूंगा। मोल्ड में डालने के बाद इसको एक दफा ऐसे मारना है अपने हल्का सा, ताकि हवा निकल जाए, इसके अंदर जो एयर जमा हो जाती है, उसके बाद इसको ओवन में रखते हैं। वटू तक शॉर्ट ब्रेक, ब्रेकअप पहुंची सेकंड रेसिपी स्टार्ट करना से। नज़िम ब्रेक ते उनका पहिरीं तव्हां सां मुंहिंजो केक ठाहियो ओवन में रखी छॾियो आहे, पैसिफिक कुकिंग ऑयल सां गॾु ठाहियूं पिया केक खे, तमामु बहितरीन ठहे पियो, छाकाणि त पैसिफिक कुकिंग ऑयल बि तव्हां विझी सघो था। मखण त मां विझंदो आहियां केक में हमेशह, लेकिन ऑयल जो बि केक सुठो ठहंदो, को हुन में हेॾो फ़र्क़ु नथो अचे, त जीअं घर में ऑयल त मौजूदु हूंदो आहे, मखण नथो अचे वठी सघो था, पोइ तव्हां केक जो इस्तेमालु करे ऑयल जो इस्तेमालु करे सघो था। ऑयल यूज़ किया मैंने पैसिफिक कुकिंग ऑयल, पौना कप डाला था, ठीक है, कप सासर वाला जो कप होता है उसका, आपने जो ब्रश वाला कप होता है उसका आपने पौना कप डालना है, और उसको फिर क्या करना है मोल्ड में डाल के एक दो दफ़ा ऐसे इस तरह आपने झाड़ना है, ताकि उसके अंदर जो एयर होती है वो निकल जाती है। उसके बाद मैंने इसको ओवन में रख दिया है, ठीक है, ओवन में रखा है 25-40 मिनट में ही बेक थी वो, जैसे बेक थी वे तो पंजो तरीके का चाहे छुरी की नोक या कोई स्टिक अड़ी हुए वो विझी उनके अंदर केक के अंदर विझी दिसंदा कि अगर ये आली बार अचे पी तो केक कच्चो है, ड्राई बार अचे पई तो केक में अना कसर है, मजीद उनके 8-10 मिनट बेक कर, ठीक है, उनका खबर पेजी वी है केक का ये तरीकेकार होता है। कच्चा अगर आपको चेक करना है 35-40 मिनट के दरमियान नोक लें, छुरी की वो डालें उसके अंदर, लेकिन ये इलेक्ट्रिक पे चल रहा है तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि छुरी स्टील की अगर है तो उसका दस्ता जो है वो फिर लकड़ी का होना चाहिए, पूरा स्टील का ना हो, या स्टील का चम्मच नहीं डालेगा, करंट लगेगा आपको, लग सकता है, तो इससे बेहतर है स्टिक होती हैं कोई भी ऐसी, या दस्ते वाली छुरी होती है जिसका ऊपर वुड होती है उससे आप चेक कर सकती हैं, और अगर या कोई ऐसी चीज़ नोक वाली जिससे अगर वो गीला लग के आ रहा है तो आपका केक कच्चा है, फिर मजीद उसको 10-8 मिनट बेक करें। तो ऊपर से ख्याल रखिएगा ऊपर से ज़्यादा हीट ना लगे, सेंटर में रखें या फिर नीचे कर दें ताकि वो हो जाए। अच्छा पतीले में ठंड जो तरीके चाहे तेरी कॉल बैठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हेलो हेलो, स्पीकर खोलो आवाज़ समझ नहीं दीजिए। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी, थैंक यू वेरी मच। कौन हो, कहाँ से बात करें पहले बताइए। मैं हिंदुस्तान जौहर से बात कर रही हूँ, मेरा नाम है फातिमा गुल। फातिमा गुल जी 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 जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपका जो प्रोग्राम कभी आ रहा होता है मैं टाइमिंग का बहुत बड़ा मसला बन जाता है, मैं भी आशिका चैनल बहुत फॉलो करती हूँ, माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत सेहत तंदुरुस्ती नजर, थैंक यू, और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन, आप बेहतरीन खाना बनाते हैं, बेहतरीन, यानी कि हम जैसे खवातीन होती है ना जो आम खाना पकाती हैं घर पे वैसे पकाती हैं, मतलब के यही कोशिश होती है कि कम बजट में अच्छी चीज बनाई जाए ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। हम पाकिस्तानी जो है आपको पता है ना बहुत अमीर लोग नहीं है, अमीर भी होते नहीं, अमीर भी बहुत है, ये बात ना करें, पाकिस्तान हमारा माशाल्लाह
الحمدللہ. لیکن پتہ ہے نا ہمارے ملک میں آپ کو پتہ مہنگائی کتنی ہو چکی ہے. بالکل ہاں یہ تو ہے, کیونکہ ہر وقت چکن گوشت اور یہ چیزیں تو نہیں بنتی ہیں گھر میں, دال سبزی اس طرح کی زیادہ. میرے گھر میں بھی میں آپ کو بہت سبزی اور دال کی زیادہ ورائٹی بنتی ہے. اور یہ جو پروگرام یہ ہے نا پلیز کیک ریپیٹ کر دیجیے گا پلیز پلیز. اچھا آپ اگر جیسے ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے تو ویڈیو دیکھ لیا کریں یوٹیوب پہ. میں دیکھتی ہوں آپ کی ویڈیو ساری دیکھتی ہوں الحمدللہ. میں آپ کو فالو کرتی ہوں, بتا تو رہی ہوں میں آپ کو بہت فالو کرتی ہوں. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. کوئی فرمائش ہے تو بتا دیں. بتا دیجیے گا بس میں دیکھا میں کل بناؤں گی یہ کیک. تھینک یو سو مچ. اوکے اللہ حافظ. تھینک یو اللہ حافظ. اچھا ٹھیک ہے کیک جو میں ادائی چلو. ہاں پتیلے میں کیا ٹھہرو؟ پتیلے میں چھاؤں لون ایک پیالی کا متے لون کھڑو جی. پیکٹ ہوں لون جو ٹھیک ہے وہ اندر پھیلائے چڑھو ٹھیک ہے. پیکٹ لون جو پھیلائن کا پوں ان پتیلے کے چنگو گرم کرنو ہے. جی لون گرم تھی وے تا ہاتھ سے ہی تپش فیل کجو کہ لون جی تپش اچے پی. ہاتھ نہ لگائے جو سڑی ویندی اسکن فورن. لون جی تپش فیل کجو. لون گرم تھی ویندو چنگی طرح سڑے نہ کارو نہ تھے پو ہی جو پیالو ہے جن میں اساں کیک جو مکسچر ودھو وہ اندر رکھی چڈجو ٹھیک ہے. لون کے متھا وہ رکھ لون جی تے ادھ انچ جتری ہوجن کھپے ٹھیک ہے. ادھ انچ جتری ہوجن کھپے لون جی تے. یا تو پچھا کجو ایکڑی اسٹیل جی پلیٹ ابتی کری اندر رکھی چڈجو. ان کے متھا ہی سانچو رکھجو وڈو پتیلو گرم ہوجن کھپے. پو متھا کور رکھی چڈجو. متھا وزن رکھی چڈجو. اکھری موری ہوندی ہے گھر میں پتھر والی وہ رکھی چڈو. یا ایکڑی اینٹ رکھی چڈو چھا چبو سر ہوندی ہے وہ رکھی چڈو وزن ہوجے. پھر ان کے پنجٹی منٹ کا چالی منٹ کا چیک کجو. چولہے پنج منٹ تیز رکھجو ان کا ہلکی باہ جی دم سے چاول رکھبان ان کا تھوڑی تیز ہوجائے میڈیم ہوجائے ٹھیک ہے. اتنے بھی تا کیک ان طریقے سے تیار تھو. بس چاہے کہ کیک کے متھا جو کلر ہوں ایک براؤن کلر ہوں وہ کدے بھی پتیلے میں نہ باقی تاجو پرفیکٹ کیک ٹھانو ٹھیک ہے. پتیلے میں بنانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں. نمک ڈال دیں. نمک اتنا ڈالیں کہ پتیلے میں آدھے انچ کی لیئر بن جائے ٹھیک ہے. نمک کی اس کو اتنا گرم کریں پتیلے کو کہ نمک کی تپش آپ کو فیل ہو. ہاتھ سے یوں کریں گے اوپر سے, ہاتھ ڈال کے نہیں اوپر سے ایسے ٹچ دور سے فیل ہوگا آپ کو ہیٹ فیل ہوگی کہ نمک گرم ہو گیا. اس کے بعد ایک اسٹیل کا پیالہ یا پلیٹ رکھ دیں الٹی کر کے. اس کے اوپر آپ نے یہ مولڈ رکھ دینا ہے. کیک کا مولڈ رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کور رکھ دیں. کور رکھنے کے بعد ایک وزن رکھ دیں اس کے اوپر جیسے چاولوں کے اوپر رکھتے ہیں دم دیتے ہوئے. میڈیم آنچ رکھنی ہے. بالکل ہلکی بھی نہ ہو بالکل تیز بھی نہ. میڈیم سے تھوڑی کم ہو اور ہلکی آنچ سے تھوڑی زیادہ ہو. 35 سے 40 منٹ یا 50 سے 60 منٹ تک بھی جا سکتا ہے کیونکہ پتیلے میں اور ون میں بہت فرق ہوتا ہے. تو اس لیے آپ بنا سکتی ہیں اس کو بھی اسی طرح چیک کریں. کچا ہے تو اگین بنائیں. پتیلے میں بہت ہی اچھا کیک بنتا ہے ٹھیک ہے. سبھانے تاکہ ماں پیزا ٹھائن سکھاندم سبھانے جو پروگرام مس نہ کجو. تئے کے متھا پیزا ٹھائن سکھاندم. تئے کے متھا فرینک پین میں پیزا کیا ٹھائیں وہ ٹھائن سکھاندم. ہاں اسٹارٹ کیوں تھا اساں ہتے سویا ان ریسیپی جو شولا سوری ریسیپی جو نالو ہے شولا. ان لائے اساں کے پیسیفک کوکنگ آئل کھپے ادھ پیالی ٹھیک ہے. یہ شولا یہ بہت مزے کی ریسیپی ہے. اور یہ دال چکن یا بیف ایسے بیف کے ساتھ بنتی ہے لیکن میں چکن کے ساتھ بنا رہا ہوں کیونکہ بیف بہت لوگ کم کھاتے ہیں. تو چکن کے ساتھ بہت ہی مزے کی حلیم کی طرح یا جیسے وہ دلیا ہوتا ہے اس طرح کا آپ کو لگے گا اور لیکن بہت ہی مزے کا ہوتا ہے. یہ آپ گھر میں بنائیں بچوں کو دیں بڑا طاقتور ہے. اس میں سبزیاں بھی ہیں. بچے سبزیاں نہیں کھاتے ہیں آپ سبزیاں ڈال کے دے سکتی ہیں. ڈفرینٹ قسم کی اس میں سبزیاں ڈالیں ٹھیک ہے. چکن یوز کر رہا ہوں. ہتے دال کہڑی کھائی ہیں مونگن جی چھلکے والی دال ٹھیک ہے. سائے کلر جی جگہ ہوں کھل ہوں متھا ہوں متھا یہ کھڑی ایک کپ. یہ ودیک لگے پی مکے ایک کا سوا کپ ٹھیک ہے. مونگ کی چھلکے والی دال ہوتی ہے جو دھلی ہوئی ہوتی ہے چھلکے والی ثابت نہیں ٹوٹی ہوئی جو دال ہوتی وہ یہ لے لینی ہے. ایک سے ڈیڑھ کپ آپ نے بوائل چاول آپ نے سادے بوائل کرنے ہیں. ڈیڑھ کپ قیمہ ہم نے لے لینا ہے. یہاں پہ ایک پاؤ چکن کا قیمہ ٹھیک ہے. چکن کا قیمہ ہم نے ایک پاؤ لے لینا ہے. یہ ہے میتھی اس میں جائے گی ایک کپ. پالک ایک کپ یہ تقریباً ایک پاؤ پالک تھی ٹھیک ہے. سویا گرین سویا جو آج کل تھوڑا مشکل سے مل رہا ہے لیکن ابھی بارش کی وجہ سے کم ہو گیا ہے لیکن آ جائے گا. یہ بہت ہی ایزیلی مل جاتا ہے ہر بازار میں ہوتا ہے. آئل میں کھولا پتیلے میں پانی بھر. اچھا ہن میں سویا جو اس میں ہے یہ ہاف کپ جتنا ہوگا. یہ سب چیزیں ہیں جس سے یہ بنے گا. باقی مسالے وہی جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں. اتنے بسر کے براؤن نہ پہ کیوں چاہ پہ براؤن بسر میں یوز کیا پہ موٹ آ ہے تھے ایک گنٹ براؤن بسر جتری پئی ہوئی ٹھیک ہے. چکن جو کیمو وجندا سی ادرک تھوم جو پیسٹ وجندا سی براؤن پیاز میں یوز کر رہا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے ایک ادرک پیاز لے کے اس کو گولڈن براؤن کر دینا. اس کے بعد ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دینا اس میں ایک کھانے کا چمچ. ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دینا ایک کھانے کا چمچ. اس کو ہلکا سا مکس کریں کیونکہ پیاز ہمارا براؤن ہے. صرف ادرک لہسن کا پیسٹ کو تھوڑا سا سوتے کرنا ہے خوشبو آ جائے ٹھیک ہے. ادرک تھوم جو پیسٹ ودھو پہلی ایک گنٹ بسر جی وجی گولڈن براؤن کجو. ان کا پوتا ادرک تھوم جو پیسٹ وجندو ان کا پو ایک پا قیمو ان میں وندو چکن جو
बारीक कीमो हुए कुटियल हुए या मशीन जो जी तक सुनो लगे बीफ ए मटन अगर यूज़ कर तो बीफ जो कीमो या मटन जो कीमो उनके थोड़ा गराइनो पव भुनने का अध कप पानी विझी उनके हल्की बाहि रखो गोश चिकन जो या सॉरी बीफ ए मटन जो कीमो गरी वो उनका बाकी प्रोसेस कंदासी दो मिनट इसको पकाते भूनते बिल्कुल ईजी है ये रेसिपी ठीक है इनके भुनने का इनमें विझासी मसाला ये थोड़ी ग्राइंड भी होगी अच्छा इसको हम चॉपर में भी चलाएंगे और ये बिल्कुल हलीम की तरह बन जाएगा ठीक है इतने चंगी तरह इनके भुने अच्छा चिकन जो जो कीमो है वो 7 मिनट में तैयार थी वो है ठीक है बीफ ए मटन बकरे जो या गऊ जो जो कीमो होंगे उनके काफ़ी टाइम लगे तो 20-25 मिनट लगन था उनके चाहे भुनने का पानी विझो एक कप जितो या अध कप मुनो कप उनके हल्की आंच से गहराई वर्जो उनका मसाला विझासी लेकिन चिकन के यहीं के ऊपर ठीक है बीफ और मटन का कीमा आपने पहले गला लेना है भून के एक कप या पौना कप पानी डाल के हल्की आंच पे रखें कीमा गल जाएगा उसके बाद आपने प्रोसेस करना है लेकिन चिकन का कीमा 4 से 5 मिनट में तैयार हो जाता है तो अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले मसालों में हम क्या डालेंगे इसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच पिठल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो हेड पिठल 1 चाय जो चमचो पिठल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो लूण 1 चाय जो चमचो बाद में विझी सकोता लेकिन पहले ना ठीक है बाद में घट थे तो विझे 2 चाय जो चमचा पिठल दाणा इसको हल्का सा भूने हल्की आंच कर दें क्या क्या डाला पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर 2 चाय का चम्मच नमक 1 चाय का चम्मच और गरम मसाला पाउडर इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर 1 चाय जो चम्मच इसको हल्का सा भूने भूनने के बाद आपने इसमें डाल देनी है दही आधा पाव दही डाल के इसको भूने ठीक है आधा पाव दही डाल के इसको भूने अधपा दही विझी दही डाल के कवर नहीं करना इसको 2 मिनट पकाएं इसके बाद हमने क्या करना है पालक इसमें डालनी है चॉप की हुई ये 1 पाव पालक है 1 पाव से थोड़ी कम होगी 2 कप पालक हो जाएगी ठीक है ये चॉप की हुई पालक विधि इनके मिक्स करो ठीक है पालक डाली मेथी ये ज़्यादा है 1 कप मेथी डालेंगे 1 कप मेथी सोया कटी हुई ठीक है ही सोया आए इन तरीके जी होंगी है सोया अगर सोया नहीं है तो ना डालें ज़रूरी नहीं है ठीक है सोया हम इसमें डालेंगे 1/2 कप 1 छोटी गट्ठी होती है इसको मिक्स करके थोड़ा भूने 2 मिनट तक और कवर कर दें ताकि इसकी कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए ठीक है चिकन विधि चिकन विझण का पो इनमें मसाला विधा मसाला विझी उनके भुनियो भुजण का पो इनमें सोया विधो दही विधि दही विझी मसाला भुनी छा ठीक है उनका पो इनमें सोया विधि 1/2 कप 1 का 1.5 कप तक विझा पालक 1.5 कप कर छो या 2 कप कर छो पालक सुठी लगन आयरन ताकतवर होंगी है उनमें अस मेथी विधि 1 कप जेतरी चॉप थियल मेथी विझण का पो इनके 2 खां 3 मिनट भुनो वरी कवर कर छासी 5 मिनट इनके 5 मिनट इसको कवर कर दें हल्की आँच पे ओवन बंद थी वो है हाँ वो आयो ना कुछ करी वो इतने बस पो तो केक तो कि कटो उसका वो तो है लेकिन मोइन के ना करण खपे ना यहाँ ठीक है ये हो गया ये डालने के बाद इसको भूना अब हमने क्या करना है इसमें बॉयल चावल डालने ठीक है बॉयल चावल हमने इसमें डाल देने 1 से 1.25 कप बॉयल चावल डालें और बॉयल दाल दालें बॉयल हैं ठीक है सादी बॉयल है बगैर 1.25 कप 1.5 कप दाल 1.25 से 1.5 कप आपने इसमें डाल देना है चावल ये डालने के बाद आपने क्या करना है इसको भूनना है ठीक है चावल विधा इनके भुंजंदासी अच्छी तरह इसको भूने भूनने के बाद इसमें पानी डालेगा 3 कप ठीक
तरह 2 मिनट तक भूनने के बाद इसमें पानी डलेगा। पानी कितना डलेगा इसमें? तीन कप, ठीक है। और इसको फिर हमने पकने के लिए रख देना, 1, 2, 3 कप, ठीक है। मैं अंदाजे से डाल रहा हूँ, आपने 3 से 4 कप तक भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि चावल हमारे गले में, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, दाल भी गली हुई है, वो फिर बिल्कुल हलवा बन जाएगी। क्योंकि इसने हम इसको अब एक बॉयल आने दें, एक बॉयल आने के बाद इसको दम पे रखेंगे 10 मिनट हल्की आँच पे, और उसके बाद इसको ग्राइंडर में चलाना है। ग्राइंडर में चलाने के बाद फिर इसको 5 मिनट पकाना है, हलीम की तरह इसका टेक्स्चर आएगा। फिर उसके बाद ब्राउन प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लेमन, चाट मसाला और खालिस घी, अगर खालिस घी नहीं है तो मक्खन जो होता है वो ऊपर से मेल्ट करके डाल दें, और इसको सर्व करते वक्त सारा तरीके का बताऊंगा। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी आपको पसंद भी आएगी, ठीक है। इनके एकड़ो बॉयल अचान दियो इनके अंदर, जब इनमें बॉयलिंग इंदी छकड़ में चावल बॉयल आइन, दाल बॉयल आए, ठीक है, दाल बॉयल है, चावल बॉयल है, तो इसलिए इसमें हमने एक बॉयल आने देना है, उसके बाद हमने कवर करना है, वरना वो बहुत ज़्यादा एकदम हलवे की तरह हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है मोटा मोटा, तो इसी तरह इसको पकने दें। ये मज़ेदार सी रेसिपी है, इसमें चावल भी हैं, इसमें दाल भी है, इसमें सब्ज़ी भी है, और इसमें चिकन भी है, ठीक है। इनके कवर के छज्जो हाँ 5 मिनट इनके पचन डिजो इन्हीं तरीके से। इनका पो इनके ग्राइंडर में हलाइंदासी, ग्राइंडर में चॉपर में हलाइंदासी, चॉपर नहीं तो जूसर मशीन में लाइजो, उनका पो वरी जी हलीम के हलाइबो, उन्हीं तरीके से ब्लेंड करें, इनके अगेन विझबो, विझण का पो इनके वरी 5 मिनट पचाईंदासी, उनका पो इनके मतलब डिश में कढ़ी सावा मिर्च, अदरक, लीमो, ऐं ये सब विझी शयूं, चाट मसालो, पो इनके असां डिश आउट कंदासीं ज़बरदस्त। ऐं केक असांजो हिते तयार थिए पियो, केक खे भी चेक कंदासीं, 5 टी मां हिते टाइमर लॻाए छॾियो, ठीकु आहे। अच्छा, मुरबे जी रेसिपी ॿुधाई थो छॾां, अधी कॉल कई हुई मुरबे जे लाइ, मुरबे जे लाइ छा खपे की अंबड़ियूं तव्हां खणंदो 1 किलो, 1 किलो अंबड़ियुनि जी खल लाइ छॾिजो, ठीकु आहे। उर्दू सिंधी मां माना ख़ालिद भाउ, हलो, अंबड़ियुनि जी जंहिं फरमाइश कई हुई सिंधी में आहे न, ठीकु आहे। 1 किलो अंबड़ी, ठीकु आहे, हुनखे खल लाहिण खां पोइ हेड़ा पीस करे छॾिजो, वॾा पीस जीअं, हा, टंडो भाॻो खाओ, सही आहे, पीसिस करे छॾिजो। खल लाहिण खां पोइ पाणी बॉयल कजो, अंबड़ियुनि खे विझिजो पाणी में, बॉयल पाणी थी हुन में अंबड़ियूं विझिजो 2 मिंट लाइ, सिर्फ़ 2 मिंट खां पोइ अंबड़ियुनि खे कढी वठिजो, छाणी में विझी छॾिजो, ठीकु आहे। थधियूं थी वेंदियूं, एॾो न बॉयल कजो की उहो ख़राबु थी वञनि, साबित रहनि, बसि हल्कियूं से गरी वञनि, छाणी में विझी छॾिजो। पोइ छा कंदो, तव्हां खणंदो 3 पा खंड खणंदो, या 1/2 किलो खणी वठिजो, 1 किलो अंबड़ियुनि जे लाइ काफ़ी आहे, 1/2 किलो खंड, हुनमें तव्हां विझंदव 2 खां 2.5 गिलास पाणी, ठीकु आहे, 1/2 किलो खंड, 2 खां 2.5 गिलास पाणी विझंदो, हुनखे बॉयल कजो, चाश ठहंदी, ठीकु आहे। चाश एतिरी ठहे की जीअं हथ में अगरि हुनजो हिकिड़ो कतरो खणो त लेस वांगुरु ठही वेंदी, तार ठहंदी, ठीकु आहे, जीअं मुरबे जी चाश ठहंदी आहे हूअं ठही वञे। हुनमें छा कजो, रूह केवड़ा विझी छॾिजो, या अर्के गुलाब 1 खाइण जो चमचो विझी छॾिजो, ठीकु आहे। जॾहिं उहो बॉयल थियणु लॻे त हुनमें कारो ज़ीरो जेको हूंदो आहे, शाह ज़ीरो, उहो 1 चांहि जो चमचो विझी छॾिजो पाणी सां गॾु, ठीकु आहे, बॉयलिंग में, बसि उहो बॉयल थींदी रहंदी। ऐं नंढा फोटा बि विझी छॾिजो, 6 खां 8 हुनजे अंदरि तोड़े विझिजो, ताकी हुनजी ख़ुशबू अचे नंढे फोटनि जी। चाश तयारु थी वञे, पोइ अंबड़ियूं जेके असां बॉयल करे थधियूं कयूं, उहे पीस हुनजे अंदरि विझी छॾिजो, हल्की बाहि ते हुनखे 5 मिंट पचण ॾिजो, ताकी अंबड़ियुनि जे अंदरि हुनजो ज़ाइको अची वञे, ऐं खंड जी चाश में अंबड़ियुनि जो ज़ाइको अची वञे। हुनखां पोइ हुनखे लाइ थधो कजो, सफ़ा थधो थी वञे, पोइ हुनखे बरनी में, जार में भरी रखी छॾिजो। ऐं अगरि तव्हांखे लॻे थो हेठां खंड ॼमे पई, ठीकु आहे, त पोइ गरम पाणी कजो, गरम पाणी करे हुन जार खे हुनजे अंदरि रखी छॾिजो, त उहो खंड मेल्ट थी वेंदी। ऐं हुन में बि अगरि तव्हांखे वरी उहो मसिलो थी पियो त वरी हुनखे पतीले में विझिजो, 1 कप पाणी विझी वरी हुनखे पचाइजो हल्को सो दम ते, हुनखां पोइ वरी थधो करी बरनी में भरी रखी छॾिजो, ऐं नाश्ते सां गॾु हुनखे 1 साल 6 महीननि ताईं तव्हां संभाली हलाए सघो था। लेकिन हुनमें आलो हथ या चमचो आलो लॻो त उहो ख़राबु थी वेंदो। ब्रेक जो टाइम थी पियो काॾे, जो शॉर्ट ब्रेक वठूं था, हिनमें बॉइलिंग अची वई, ऐं ब्रेक खां पोइ हुनखे ग्राइंड करे वरी पचाईंदासीं। ब्रेक करण खां पहिरीं तव्हांजी जेका रेसिपी आहे छोला, उहो तयारु थिए पई।
इतने अस इनके ओवन में जो केक है वो भी तैयार थे मुझे आइफ भी कर हली हुई खबर ही ना पी पे ठीक है ये हो गई है तैयार अब इसको हमने क्या करना है ब्लेंड करना खाला जल्दी ला दे मुझे ठीक है इसको हमने ब्लेंड करना है मुझे दे दे दरवाजा बंद इसको अच्छी तरह ठंडा करके लेकिन मेरे पास टाइम इतना नहीं होता तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ आप इसको ठंडा करके ब्लेंड करें ठीक है चॉपर में डालें ग्राइंडर में डालें ब्लेंडर में डालें जैसे भी आपको इजी लगे ठंडा करके इसको पीस लेना है ठीक है दो हिस्सों में करना पड़ेगा क्योंकि एक बड़ा बॉल भी लाके दे मुझे जल्दी से ठीक है अच्छी तरह इसको हमने चला देना एक बार चलाने के बाद इसको निकाल दें एक बड़े प्याले में ठीक है अच्छी तरह इसको देखें इस तरह का इसका टेक्सचर आना चाहिए मैं गरम इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास जितना शॉर्ट होता है अपने हिसाब से मुझे हर चीज़ निकालनी होती है आप लोग ने बिल्कुल आराम से एहतियात से करना है हाथ ना जले गरम है दाल भी बहुत गरम होती है इससे हाथ जल जाते हैं स्किन जलती है ठीक है ये अच्छी तरह डाल दें इसमें और अगेन उसी पतीले में हमने इसको डाल देना है ठीक है मेरी माँ हिंड करे बॉल में कटे हो चाह कर पतीले में फिक्स पूरा ना जाए अच्छी तरह आपने इसको चलाना बस इतना चलाएं बहुत ज़्यादा मलीदा ना बने अगेन निकाल दें इसके अंदर पूरा निकालने के बाद हटा देते हैं ठीक है हाणे छा कंदासीं हिनखे वापसि साॻे पतीले में विझी छॾंदासीं ठीक है अगेन उसी पतीले में इसको डाल दें बस चिकन गरियल हुजणु खपे दाल बॉयल आहे तव्हांजी चांवर बॉयल आहिनि पालक खे पचाइणो आहे कचो पन न रहे खाइण में तव्हांखे हुनजी स्मेल ना हुजे ठीक है एतिरो पचाइणो हूंदो की हुनजी स्मेल ना रहे ख़तमु थी वञे अब इसमें क्या करेंगे अगेन हम एक से डेढ़ कप पानी डालेंगे चाहिए हुआ है ना सफ़ीर पे केक असो बिल्कुल तैयार थी मैं जो टेम्परेचर थोड़ा डाउन कर दूँ ठीक है केक थोड़ा सा उसका टेम्परेचर मैंने डाउन कर दिया वो तैयार हो गया यहाँ पे चूल्हा ऑन करते हैं इसको मज़ीद पकाना है हमने 15 मिनट ठीक है 15 मिनट इनके मज़ीद पचाना है डेढ़ कप पानी विझी हल्की बाहे थे 15 मिनट पचाए जो बिल्कुल तैयार थी जो ज़बरदस्त के समझो ठीक है एकड़ो ब्रेक अना आए ना असो ठीक है इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना खाला थोड़ा पानी और देते हैं 2 कप कर रहा हूँ ठीक है पानी इसमें थोड़ा मुझे 1 कप जितना पानी ला के दें डिस्पेंसर से इसमें और इसको कवर करके हल्की आंच पे पकने दें ठीक है अब मैं आंच बिल्कुल हल्की करा अच्छा हाँ मां ही तक बताया कहीं कटिंग में छाछा गार्निशिंग में छाछा यूज़ हो ब्राउन बसर घी आए खालिस घी असली घी ठीक है वो तां गरम कयो और मक्खन मथा विझो ठीक है लीमा विंदा इनमें इतने अदरक आए सावा मिर्चन ठीक है इनकी कटिंग करते वो साई मिर्चन जी हरी मिर्च जैसे हम हलीम के लिए चॉप करते हैं इस तरह रेसिपी रिपीट कराएं पे छोला ठाई पे छोला लाइ असें
एक का डेढ़ कप चावर बॉयल बगैर लूण के, ठीक है, ना घी हुए ना बसर जो दाग हुए, सादा चावर बॉयल कर छो। साए मुंगन की दाल होंगी है, एक साबित होंगी है, एक टुटल होंगी है, जी ठीक है, जिन ब पीस हों दाल जहाँ वह समझी वह हों बॉयल कौ बगैर पैर पिसाए छो, उनके बॉयल कर बगैर लूण के बगैर दाग के, ठीक है। चिकन जो कीमो बीफ जो या मटन जो मो चिकन जो कीमो खा एक पा, ठीक है, बारीक कीमो चिकन जो एक पा लाए अद प्याली पैसिफिक कुकिंग ऑयल गरम कौ थोड़ो मिनट में अद प्याली भी वेजा पो कप थी वो पानी, ठीक है। मैंने अब इसमें दो कप पानी कर दिया, आधा कप और डाला ताकि ये पकेगा 20-25 मिनट हल्की आँच पे, इसका कलर बिल्कुल चेंज होने लगेगा, खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा हलीम की तरह, ठीक है। वो छा कंदासी ऑयल गरम कंदासी एक गंड बसर जी गोल्डन ब्राउन कई अदरक जो पेस्ट विझंदासी एक खाण जो चमचो कीमो विझंदासी कीमे के भुंजणो है चिकन आए था फौरन तैयार थी बीफ ए मटन आए तो भुंजण का एक कप पानी विझी हल्की बाहि छी वो गोश गरी वे पानी खुश कर छो उनका पीठल गाढ़ा मिर्च कुटियल गाढ़ा मिर्च हेड लूण गरम मसालो पाउडर सब एक एक चाय जो चमचो पीठल धाणा ब चाय जो चमचा विझी मसाले के भुंजणो है उनका दही विझो दही केतरी खड़ो दही के मसालो में वरी बुधाई तो छा, ठीक है। मसालन में छावी तो जैसे चिकन बीफ या मटन गरी वे पीठल गाढ़ा मिर्च कुटियल गाढ़ा मिर्च लूण गरम मसालो पाउडर हेड एक एक चाय जो चमचो पीठल दाणा ब चाय जो चमचा विझी मसाले के भुंजणो है दही विझणी है फेटे अद पा दही विझी वरी भुंजणो है उन में विझ पालक बारीक कटियल थियल डेढ़ कप मेथी एक कप कटिंग थियल सोया अद कप ये विझी उनके भुंजणो है थोड़ा पानी विझी ब चार चमचा उनके कवर कर छो वरी उनके भुंजो 5 मिनट का बिल्कुल तैयार थी वे उनका बॉयल चावर बॉयल जो दाल है वो विझंदोस उनके मिक्स कौ 2 मिनट पचाण का उनमें 4 कप पानी विझी उनके कवर कर छो हल्की बाहि पचाण दिजो 10 मिनट उनका उनके घाटो थी वे उनके कटी थदो कजो ब्लेंड कजो ब्लेंड करण का जी वापस पतीले में विझो उनका तुम में विझो 2 कप पानी इनके 20-25 मिनट पचण दीनों जैसे तैयार थी वे मत गार्निशिंग लास्ट में बुधाइम तक वूँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साला बेटा ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक कह रहे हैं कितना गला पिया हां मैं शिकार पर था दिन ठीक है हां जी छा लाइन था जा हां मालिक जैसा नन हेलो के साथ तो जी रसी की दिसों का बिल्कुल असा के तमाम घणी वणी थैंक यू तमाम के शौक सा प्रोग्राम दिसन आई मेहरबानी तमाम घणी जी जी मेहरबानी मुझे खुशी थी आते सा जी कॉल मिली हुई थैंक यू आई वेलकम के द फर्स्ट टाइम शायद ता कॉल किया जी मां शिकारा प्रसाद आवाज लाइ कॉल कई वर मेहरबानी तमाम खानी फजाना या की भी करे तमाम कई मेहरबानी फजाना या तो फरमा की तमाम के खादा है ना जी ट्राई कर दा जरूर आज तमाम के केक देखो से आने सुबह नहीं है सा यो ट्राई करदा इंशाल्लाह जरूर ट्राई कजो ये जो को शोला ठाए पे भी जरूर ट्राई कजो इंशाल्लाह जरूर को फरमाइश ता जी बुधाई जो प्लीज ठीक ठीक है कोई फरमाइश ता जी मैंने कोई भी नहीं फरमाइश ना मां से छोटे तो वहां जैसा डिसेंडी है ना प्रोग्राम पर बस सा लिखन आई पर बस को ट्राई कर दाई चलो ठीक है पांजो खोर सारो ख्याल रख जो ठीक है दी मेहरबानी अल्लाह थैंक यू अल्लाह हाफिज़ मेहरबानी अच्छा हे तैयार थी वियो ठीक है गार्निशिंग में अदरक सावा मिर्च लीमा ब्राउन बसर अहन जो थोड़ो मेल्ट करी मथा का विझंदा सी ठीक है मुझे चाट मसाला खाला निकाल दें थोड़ा चाट मसालो मथा का विझंदा सी इनके 25 मिनट लाए असा रखी छड़ियो ठीक है शोला की रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ इसके लिए हमने क्या लेना है आधा कप पैसिफिक कुकिंग ऑयल गरम किया एक प्याज को गोल्डन ब्राउन करें अदरक लहसुन का पेस्ट एक खाने का चम्मच डालना उसके बाद आपने सौते करने के बाद बीफ मटन या चिकन जो भी यूज़ करना मैंने चिकन यूज़ किया था उसको भूना चिकन को 4-5 मिनट कीमा था चिकन का बीफ और मटन का कीमा हो तो एक कप पानी डाल के उसको गला लेना फिर आपने भूनना है पिसी लाल मिर्च कुटी लाल मिर्च हल्दी पाउडर पिसा गरम मसाला और नमक ये एक एक चाय का चम्मच जाएगा धनिया पाउडर 2 चाय का चम्मच जाएगा मसाले को भूनना है कलर आ जाए दही आधा पाव फेंट के अच्छी तरह बीट करके डाल दें उसके बाद उसको थोड़ा भूनें कलर आ जाएगा फिर आपने इसमें 1.5 कप जितनी पालक बारीक चॉप करके डालनी है मेथी के पत्ते बिल्कुल बारीक चॉप करके 1 कप डालने सोया मिल जाती है इजीली ना मिले तो ना डालें सोया आधा कप डालना है उसको फिर भूनना है 2-4 मिनट भून के 4-5 टेबलस्पून पानी डाल के कवर करके उसको पकने दें जब वो सब्ज़ी पक जाएगी फिर आपने मूंग की जो धुली हुई दाल होती है और एक छिलके वाली दाल होती है छिलके वाली जो दाल होती है मूंग की वो आपने इसमें डाल देनी है कितनी 1-1.5 कप बॉयल की हुई सादी बगैर नमक के बॉयल की हुई ठीक है पहले भिगोएं फिर उसको बॉयल करके वो डालें चावल भी 1.5 कप जितने बॉयल किए हुए बगैर नमक के बगैर भगार के वो चावल आपने डाल देने हैं इसको फिर अच्छी तरह भूनना है 4-5 मिनट उसके बाद आपने 4 कप पानी डाल के कवर करके इसको 10-15-20 मिनट तक हल्की आंच पे पकने देना गाढ़ापन आ जाएगा घोटते भी रहें साथ साथ ताकि सब मिक्स हो जाए उसके बाद ब्लेंडर में
या चॉपर में डाल के उसको पीस लें ठंडा करके, फिर वापस पतीले में डालना है। फिर आपने 2 कप पानी डाल के इसको 20 मिनट तक कम से कम पकने दें हल्की आंच पे, जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। फिर इसमें हमने क्या डालना है, अदरक, लेमन, हरी मिर्च, ब्राउन प्याज और उसके साथ धनिया पुदीना अगर डालना चाहे, मैं नहीं डाल रहा हूँ ठीक है, क्योंकि इसमें हरा मसाला ऑलरेडी इतना ना जा चुका है। और चाट मसाला डलेगा और मेल्टेड घी डाल दें, खालिस घी जो होता है वो है तो वो डाल दें, या बटर मेल्ट करके ऊपर से डालना है डिश आउट करते वक्त। और ये बहुत ही मज़े का होता है, आपको इसको बच्चों को भी दें, जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, दालें नहीं खाते हैं, उन बच्चों के लिए भी ये बहुत ही बेहतर है ठीक है। इतने असा जो केक तैयार थे पे बेहतरीन ठीक है, केक तैयार हो रहा है अभी, इसमें है तकरीबन 20 मिनट बाकी हैं, उसके बाद उसको निकालेंगे ताकि उसका कलर आ जाए अच्छा सा। और केक की रेसिपी जेका है अच्छा, मैं हाँ तक बुधाया कि असा हाँ हैदराबाद में तहाँ के मैं लाइव भी वरतो उत सभी कमेंट्स भी कया, हैदराबाद व्यासी तमाम बेहतरीन पांच डायरेक्टर मुझे खालिद शाह से गड, कैमरामैन हुआ सलमान रिंद हुआ गड, भी कैमरामैन्स हुआ उतने हैदराबाद जो प्रोग्राम्स खड़ी आया हूँ तेज तमाम बेहतरीन अनाउंस कंदासी, डेट्स प्रोमो वो सब बाद में अनाउंस कंदासी, कदे का लंदो रिकॉर्डेड शोज इन डिफरेंट एरियाज में व्यासी, हैदराबाद जो फेमस प्लेसिस जिते मूँ वा एडी सुठी सुठी शूँ तुम खाई उ रेसिपी हाँ तक पे किचन में सिखारबी, लेकिन इतने ना वो मां उत आउटडोर करी उन हथन का कि ठंडी है, जो तरह पैसों खर्च कर उत वही खाई वो तेजे घर में ठा, खासकर अलमंजर की जो पल्ला मच्छी है, सॉरी उत मच्छी है अलमंजर की वह तक फिश पॉइंट है उतो गुदू चौक उत रेसिपी खड़ी आया हूँ, उनके अलावा एक रेस्टोरेंट की रेसिपी 4 प्रोग्राम में खड़ी आया तमाम बेहतरीन हैदराबाद जहा, इनशाला अग्या जितना भी तेजा एरियाज इन उत डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट रेसिपीज, कोशिश है कि सिंध टीवी जो यो प्रोग्राम हर जगह वने, पैसिफिक कुकिंग ऑयल हर शहर में वने, रेसिपीज के साथ ट्राई क्यों, पैसिफिक कुकिंग ऑयल से खादा मैं उत्ते ठाराया उन रेस्टोरेंट वालों का, तमाम बेहतरीन वो रेसिपीज आज जो तुम तमाम सुठा उनमें वैरायटी है, अना वैरायटी तेज सरप्राइज रखी है। इनशाला जे अगर एरिया में कोई अड़ी फेमस होटलों फेमस रेस्टोरेंट्स आज भले नंढा होजन, जरूरी ना कि 5-star स्टाइल में होजन, सादा नंढा रेस्टोरेंट भी होंगे नंढा होटल भी होंगे, लेकिन उनको खाधो भले भाजी भी हुए, बिहन की कड़ी रेसिपी है डिफरेंट कड़ाई हैं वो भी मां उत अची ते एरिया में तुम मैसेज के प्रोग्राम में कॉल कर बुधाई सूता कि असा एरिया की ही शे फेमस है, तुम उत अची वह शे ठा सिखार तो अस उत इनशाला असो इरादा पूरे सिंध में बल्कि अगर पंजाब तीन वेंदी पे प्रोग्राम के अगर खड़ी वेंदी जरूर तक वो ढी जो रिपीट ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हलन जो करी आया हूँ आउटडोर, उनको प्रोमो भी हलन उनकी पिक्स में पेज से भी विधल लाइक्स भी क्यों हैं, खुश भी पे इलाई काफ़ी मुझे फीडबैक भी अचे पी, तो इनशाला जरूर तला नई वैरायटी अचे पी मुझे शो की तो जरूर ऐसो इनके वरी एक दफ़ा स्पून लाइन्दी। कल हम गए थे परसों 2 दिन हमने प्रोग्राम किए आप लोग के लिए आउटडोर, हैदराबाद की काफ़ी फेमस रेसिपीज़ हैं वो करके आए, इनशाला जब चलेगा वो प्रोग्राम तो मैं आपको अनाउंस कर दूँगा, टीवी पे भी होगा, पेज पे भी अनाउंस करूँगा, यहाँ भी अनाउंस करूँगा, अपने डायरेक्टर के साथ पूरी टीम के साथ मैं गया था, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम करके आए, डिफरेंट प्लेसेस की हैदराबाद की फेमस रेसिपीज़ हैं, जैसे अलमंजर की है मछली, फिश पॉइंट गए थे और इस तरह डिफरेंट प्लेसेस के वो इनशाला चलेंगे। ब्रेक जो टाइम थे पे बाकी ब्रेक का बताया तो जैसे ही बच्चे पे केक भी तैयार थे पे वट होते शॉर्ट ब्रेक। नाज़िम ब्रेक तो पे तू जो केक ठा पे वो भी तैयार पे थे, इतने ही शोला जो रेसिपी जो नालो है ऐसो जबरदस्त खुशबू अचे पी, ये तैयार पे चूल्हो में बंद पे छोड़ो ठीक है, ये तैयार हो गई जो शोला में बना रहा हूँ डिश, और इसको अच्छी तरह बॉयलिंग आ गई, देखिए इतनी गाढ़ी होनी चाहिए जिस तरह हलीम होती है ठीक है, ऑयल की लेयर आ जाती है ऊपर, ये बिल्कुल ज़बरदस्त आपको लगेगा, इसको आपने ऐसे ही खाना है रूखा, इसके रोटी के साथ नहीं खाना है, क्योंकि इसमें चावल डले हुए, इसमें दाल डली हुई, इसमें सब्जियां डली हुई, ये बिल्कुल हलीम की तरह आपको एक नई चीज़ मैंने सिखाई है, और ये बहुत ताकत वाले बच्चों के लिए, खासकर जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते या जो लोग वेजिटेबल्स नहीं खाते, आप इसमें काफ़ी सब्जियाँ डाल सकते हैं, लौकी भी डाल सकते हैं इसमें, गाजर डाल सकते हैं इसमें, जो आपको अच्छी लगे सब्ज़ी, टमाटर नहीं डलेगा ठीक है, टमाटो ना विझबो, बाकी का भी सब्ज़ी तुम अंदर विझी सको था,
इनके गरम गरम नीम गरम जी हलीम खाए भी होनी तरीके से तां के सर्व कर दो ठीक है पैसिफिक कुकिंग ऑयल से ठाईया मो बेहतरीन तैयार थी भाई आई हाने छ कंदासी इन जे मथे को दाग ठांदो ठीक है इसके ऊपर एक भगार सा बनेगा खालिस घी या बटर खालिस घी या मक्खन इन जे मथा विजंदो ब चम्मच ब चाय जा चम्मच या ट्रे चाय जा चम्मच ठीक है तीन चाय के चम्मच या चार चाय के चम्मच एक बॉल पे जितना आपको अच्छा लगे दो टेबल स्पून कर दें मेल्ट करना है और इसके ऊपर डाल देना है ब्राउन प्याज हमारे पास पड़ा हुआ है ब्राउन प्याज डालेंगे ठीक है आई केक भी तकरीबन अच्छी वो कलर डार्क थी वो ये भी कटी था ठू अच्छा एकड़ी भी गाल बुधाई वाला कि टेक्निकल फॉल्ट थो थोड़ो विच में ओवन बिल्कुल बंद थी वो मुझे खबर कौन पाई तो इन करे केक जो कलर थोड़ो डार्क थी वो लेकिन तुम पे बैलेंस करे ठाए जो ठीक है क्योंकि बीच में अभी आपने देखा था ड्यूरिंग प्रोग्राम थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो गया तो मुझे पता नहीं चला ओवन बंद हो चुका था तो उससे क्या होता है अगर ओवन बंद हो जाए और आपको पता ना चले तो वो केक बैठ भी जाता है बाज़ दफ़ा वो जलना शुरू हो जाता है टेम्परेचर जब ओवन का आउट होता है क्योंकि ये बहुत फास्ट होते हैं ओवन हाँ ही जो दाग ठाया हुआ है मत्था में चलना से ठीक है गर्म मेल्टेड घी या बटर आपने ऊपर से इस तरह डाल देना ये डालने के बाद आपने क्या करना है इस पर चाट मसाला डालना हसबे ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं ठीक है जितना आपको गार्निशिंग में अच्छा लगे ब्राउन प्याज बाकी अपनी मर्जी से आपने जितनी डालनी हरी मिर्च थोड़ी सी अदरक लेमन इस तरह ऊपर से भी डाल सकते हैं और अलग से भी रख सकते हैं ठीक है लेकिन इसमें मिक्स करना होता है लेमन क्योंकि उससे फ्लेवर आता है लेमन जूस ये चला गया और इसको लेमन के स्लाइसेस से हल्का सा गार्निश कर दें ये देखिए ये थी असांजो ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार छोला इनके तरह ज़रूर ठाहिजो ठीक है इस तरह आपने बनाना है और इसको सर्व करना है केक बनाया ज़बरदस्त है लेकिन क्या हुआ है टेम्परेचर आउट हो गया है तो वो बहुत ज़्यादा उसका बिल्कुल वो कलर चेंज हो गया मुझे वैसे दिखाना नहीं चाहिए लेकिन जो रियलिटी होती है तो दिखाना चाहिए क्योंकि छुपाने से बेहतर है मैं आपको दिखा दूँ टेम्परेचर आउट हो गया था तो कलर देखें ये ऊपर से ब्लास्ट कर गया इस तरह ये तो सही है ये जो हो गया ये इससे कुछ नहीं होता ठीक है ये दिखा जो लेकिन छा थियो आहे केक हितां जेको सड़ी वियो आहे ठीक है मां तव्हांखे ॾेखारियां पियो छो की थियो आहे टेम्परेचर आउट थी वियो ओवन बंदि थी वियो हू सफ़ा ख़राबु थी वियो जो टेम्परेचर वरी खां करण खां छा थींदो ख़राबु थी वेंदो आहे त हीउ केक थोरो सड़ी वियो हितां खां ऐं बाक़ी अंदरां ई परफेक्ट आहे हीउ तव्हांखे ॾेखारियां की अंदरां ई बिल्कुलु परफेक्ट आहे ठीक है अंदरि देखे हीउ बिल्कुलु परफेक्ट है ड्राई निकल के आ रहा है तो इस तरह ये आपका केक लेकिन ये मैं डिस्प्ले में नहीं रख रहा हूँ ठीक है बाकी जो तरीक़ेकार मैंने आपको केक का बताया था उसी तरह आपने केक बनाना है आज की जो रेसिपीज़ हैं ये केक मैं अपलोड कर दूंगा पेज पे आप लोग वहाँ देख लीजिएगा ठीक है कुकिंग विद शेफ एसएम जो पेज है उत्ते अपलोड थी वेंदी रेसिपी ऐं इनशाला जो प्रोग्राम असां करे आया हुनजो मां ॿुधायो पिए त उहो इनशाला जॾहिं अनाउंस कंदासीं तव्हांखे पोइ उहो हलणु शुरू थींदा लाइव पंहिंजी जॻह ते हूंदो लेकिन ॿाहिरां जेको मां प्रोग्राम करे ईंदुमि डिफरेंट शहरनि मां त उहो बि तव्हांजे लाइ हुनजी अनाउंसमेंट थींदी ठीकु आहे हुनजो प्रोमो बि हलंदो हुनजी अनाउंसमेंट बि थींदी त हुनजे लाइ वेट कजो आफ़्ताब मलिक जो मैसेज हो खोया बनाना सिखा दें आपका बेस्ट शो बेस्ट है थैंक यू आफ़्ताब मलिक खोया बहुत आसान है मैं आपको शेयर कर दूंगा पेज पे क्योंकि मैंने बनाना सिखाया है दो तीन दफ़ा बहुत इजी वे में मैंने बनाना सिखाया ड्राई मिल्क पाउडर से ही बनता है ठीक है खोया और रेसिपी मैंने रिपीट करा दी है रात को सॉरी सुबह 11:05 पर रिपीट चलेगा कुकिंग विद शेफ समरा पेज है वहीं रेसिपी अपलोड हो जाएगी कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे मेरे पेज पर मैसेज करके पूछ सकती हैं केक की रेसिपी मैं विद पिक्चर अपलोड कर दूँगा आज ही तो आप लोग वहाँ देख लीजिएगा ठीक है और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कुकिंग विद फैसल सिंध टीवी HD सर्च करें यूट्यूब पे मेरी वीडियोस आपको पूरी मिल जाएंगी ठीक है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा हे जेका रेसिपी है सुबह जो 11:05 ते वही रिपीट हलंदियूं ऐं कुकिंग विद शेफ एसएम जो पेज है फेसबुक ते उनके लाइक कयो अच्छा पेज जो मां ॿुधायां के पेज मुंहिंजा ॿ माण्हुनि के विच में ठाहिया आहिनि ठीकु आहे उहे लाइक न कजो जेके 40,000 लाइक आहिनि
वो पेज मुझो आहे मुझी फेस जी पिक लगल है उते ठीक है हिकड़े के ठाई है कि मुझी पूरी पिक आहे मां बाहर किथे पार्क में लाइक किथे पुरानी मुझे फेसबुक का पिक कटी वो लगायल है हिकड़ी मुझी शेफ कोट ते ब्लू वाली पिक आहे ठेल वो मुझा पांजा रियल पेज ना है माण्हू ठाया है उते भी को 3,000 3,500 हिकड़े ते लाइक कन 600 700 हिकड़े ते लाइक कन त फेक पिक माण्हू पेज ठाईंदा है उनते ना वेंदा क्यों मुझो पेज ते 40,000 लाइक्स है वो मुझो रियल पेज है ठीक है जो मेरा रियल पेज है 40,000 लाइक्स वाला है दो पेज मेरे किसी ने बनाए हुए हैं वो फेक पेजेस हैं मेरी रेसिपीज़ उठा के उसी पे अपलोड कर रहे हैं और उल्टे सीधे कमेंट्स भी लोगों को उन्होंने किए हैं कुछ कॉलर्स ने व्यूवर्स ने मुझे कहा है कि बदतमीज़ी मैं नहीं हूँ वो जो 4,000 to 5,000 या 7,000 कुछ है वो भी फेक पेज है और जिसमें 600 800 के लाइक्स हैं वो भी फेक पेज है मेरा वाला एक ही पेज है जिस पे 40,000 लाइक्स हैं वही मेरा पेज है मेरे फेस की सिर्फ उस पर डीपी लगी हुई है और कोई भी मेरा पेज नहीं है आप मुझसे पूछ सकती हैं वहाँ पे भी ठीक है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह वरी सुभाणे ठाहींदासीं पिज़्ज़ा तए जे मथां या फ्राइंग पैन जे मथां पूरो ताकि जंहिंजे घर में ओवन ना आहे वो कीअं ठाहे पिज़्ज़ा या केक त उहो तरीक़ो मां तव्हांखे ॿुधाए छॾंदुमि इनशाला काफ़ी सारी रेसिपीज़ आहिनि जेको तव्हांजी फरमाइश जे मुताबिक़ ठाहियां पियो 5 अगस्त खां पोइ जॾहिं स्टार्ट कंदासीं सिर्फ़ु बीफ ऐं मटन जी रेसिपीज़ ठाहींदासीं छाकाणि त ईद में हिकु महीनो रहिजी वेंदो त पोइ हुनमें जेतिरा 16-18 प्रोग्राम मूं वटि हूंदा ईद खां पहिरीं हुनमें मां कोशिशि कंदुमि सॼियूं रेसिपियूं कबाब्स डिफरेंट किस्म जा बारबिक्यू आहिनि ऐं कढ़ायूं आहिनि बिरयानियूं आहिनि इहे सभु शयूं ताकी तव्हां बीफ खे इंजॉय करे सघो हुनजी रेसिपियूं ठाही सघो ऐं जा कबाब कीअं ठाहे फ्रेश कबाब आहिनि उहे सभु तव्हांखे ठाहिणु सेखारींदुमि ठीकु आहे पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो वरी सुभाणे मुलाक़ात थींदी तेसिताईं अलाह हाफ़िज़